लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीम राजकुमार सैनी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार सैनी ने ना ही कोई सियासी बयानबाजी की है और ना ही किसी पार्टी से गठबंधन किया है। इस बार सुर्खियों की वजह एक अश्लील वीडियो है। सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो पर सांसद राजकुमार सैनी का नाम लिखकर उसे वायरल किया जा रहा है। फिलहाल राजनीति में इस तरह की हरकत कहीं ना कहीं राजनीति के गिरते स्तर की ओर इशारा कर रही है। यमुनानगर पहुंचे कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक तंवर जब मीडिया से रूबरू हुए तो तंवर ने कहा कि देखिए जहां से वो निकले हैं हो सकता है उन्होंने किया हो। तंवर ने कहा कि ये निश्चित है सारी चीजें संभव हैं, लेकिन उसकी जांच हो और उनकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ तथ्य है तो जनता डिसाइड करेगी और जो हमारा कानून व्यवस्था है उसके माध्यम से कार्रवाई होगी, और अगर जो झूठ है तो दूसरों को पकड़ा जाए और उसे जेल में ठोका जाए। देखिए वो तो आजकल सारी चीजें संभव है, लेकिन उसकी जांच हो और मैं समझता हूँ कि फॉरेंसिक जांच उनकी होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ तथ्य है तो जनता डिसाइड करेगी और जो हमारा कानून व्यवस्था है उसके माध्यम से वो होगा, और अगर झूठ है तो दूसरों को पकड़ा जाए, उनको जेल में ठोका जाए, पता चले कि कहाँ से ये भारतीय जनता पार्टी ने चलवाई है, या क्योंकि वहीं से तो निकले हैं वो, तो वहाँ वो गड़बड़ कर रहे हैं या कौन कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि मेरे बैठे बैठे जो है मेरा मोबाइल का मेरा खुद का फेसबुक पेज हैक करके आम आदमी वो अपनी रैली उससे लाइव कर रहा है। तो आम आदमी वाले जब ये कर सकते हैं तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। आज के समय में टेक्नोलॉजी से छेड़खानी वो हर कुछ संभव है। हम तो यही कहेंगे कि नेताओं की जो छवि है वो खराब ना हो, उसमें से पाक साफ हो निकल कर गया। नहीं वो कोई ना कोई कर सकता है, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहाँ से वो निकले हो सकता है उन्होंने किया हो, ये जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, और जो मेरा हैक किया वो तो आम आदमी पार्टी ने किया।